तो आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा जे जे सम्मान योजना क्या है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं झुमुमुआ सम्मान योजना क्या है, और कौन से राज्य की ये योजना है, कौन कौन इसके लिए उसको अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और उसकी पात्रता क्या है, पूरा प्रोसेस का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपको अगर नहीं पता है कि ये कौन सी योजना है, तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कैसे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है, पूरे प्रोसेस के साथ इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना है एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके घंटी गोल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो योजना है ये झारखंड राज्य की योजना है, और जो कि वर्तमान के जो भी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी ने ये योजना लागू की है। दोस्तों महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी इस योजना के तहत, और जो भी आवेदन करना चाहती महिला उनकी उम्र जो है वो 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और वो भी गरीब समुदाय की हैं, वो अपनी ज़रूरतमंद के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकती हैं। और इसके लिए दोस्तों सालाना की बात करें तो दोस्तों ये आपको सालाना में 30,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया ये कौन सी राज्य की योजना है, ठीक है। तो अब इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करना, उनको सशक्त बनाने की योग्यता आने देना, और योजना के तहत मिलने वाले पैसे झारखंड महिला अपने ज़रूरी काम कर सकें, और जो भी रहने वाली उनके योजना का बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस योजना को लागू किया गया है, और इसके पहले दोस्तों गोगो दीदी योजना भी चालू किया गया था, उसके साथ ही या दूसरी योजना है जे जे सम्मान योजना है, जे जे झुमुमो योजना। तो झुमुमो योजना के अंतर्गत राज्य की जितनी महिलाएं हैं उनको हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, और सालाना की बात करें तो दोस्तों 30,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले प्रत्येक गरीब महिला जो भी होगी वही इसका आवेदन का लाभ ले पाएगी। उसके बाद झुमुमो सम्मान योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएँ लेना चाहती हैं लाभ, तो वो ले सकती हैं, और जो भी उनका पैसा मिलेगा वो डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों कौन कौन इसके लिए पात्र है। तो सबसे पहले अगर महिला के घर में आय की बात करें, अगर आपकी 3 लाख है तो 3 लाख वालों को नहीं मिलेगा, अगर 3 लाख से कम है यानी कि 2.5 लाख के आसपास है तो आप इसका आप लाभ ले सकते हैं। उसके साथ दोस्तों अगर आप कोई भी महिला गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है तो वो अप्लाई ना करें, ठीक है। तो उसके साथ दोस्तों जो भी महिला अगर आप लेना चाहती है तो वो सबसे पहले झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए, और कोई भी उसका सदस्य नौकरी सरकारी में पर्याप्त ना हो, ठीक है, तब इसके दोस्तों यहाँ पर पात्र हो सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों स्कीम में क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो झुमुमो सम्मान योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2024 को कर दी गई थी, जो भी महिलाएँ योजना आवेदन करना चाहती हैं वो कर सकते हैं, जिसमें घर बैठे आवेदन कर पाएंगे, आपको कुछ भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्यकर्ता आपके घर आकर आपका फॉर्म भरेंगे, और झुमुमो कार्यकर्ता आपके घर घर आकर फॉर्म भरेंगे। बाकी अगर आपका फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों डेली आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके भर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपका आधार कार्ड लगेगा, और राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर, इतना आपको लगेगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म आपको भर देना है, या फिर आपके घर पर आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो दोस्तों आप अपनी तरफ से फॉर्म भर करके आप अपने कार्यालय में जी मैं जमा करते, कार्यालय एक होता है जो भी ग्राम पंचायत में एक कार्यालय ज़रूर होता है जहाँ प्रधान आपका रहता है वहाँ पर आप जमा करते हैं। तो फॉर्म आपको दिखा देते हैं कैसा है।